हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू होलिस्टिक आयुष्वी। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और साइड में जो बेल बटन है उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपको मिले और ये वीडियो एंड तक देख। आजकल ऐसा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, या छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे गैस की प्रॉब्लम, जिसे ब्लॉटिंग भी कहते हैं, अजीर्ण मतलब जहाँ पर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, ना आप कुछ खाना पसंद करते हैं, अरुचि जो आपके टेस्ट जो आपका माउथ का टेस्ट होता है वो चला जाता है, आपको बिल्कुल खाने में बिल्कुल मन नहीं रहता और ऊपर से कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, इसे अजीर्ण कहते हैं। आजकल की लाइफ में ऐसा हो सकता है साइमल्टेनियसली ईटिंग ज़्यादा गैप ना देने की वजह से, बहुत ज़्यादा खाने के वजह से, जंक फूड खाने के वजह से, ज़्यादा ऑयली खाने से, ये सारी चीज़ें जैसे एसिडिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो नो प्रॉब्लम, इसके लिए मैं आपके लिए फटाफट से एक सॉल्यूशन लाई हूँ, वो बता देती हूँ और ये बहुत ही ईजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, बहुत ही ईजी स्टेप्स है, चाहे तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। मैं इसके इन्ग्रीडियंट्स आपको बता दूँगी क्या क्या है। तो मैं बात कर रही हूँ हिंगवाष्टक चूर्ण की। ये एक्चुअली मेरे पास जो है वो बैद्यनाथ का है, बट हो सके तो आप इसे दूध पापेश्वर का लीजिए, वो ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ, ताकि आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाए और शायद तक ये पतंजलि के इसमें भी आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। मैं जो जो मेडिसिन बताती हूँ वो ईजिली पतंजलि स्टोर पर अवेलेबल है, अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो आप बाकी ब्रांड्स भी ट्राई कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा पतंजलि के ब्रांड्स यूज़ करना चालू कीजिए। स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ को, ब्रांड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट जो ब्रांड सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता हो उस ब्रांड को यूज़ करना हमारा फ़र्ज बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता रही थी आपको हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में। इसमें होता है हिंग, सुंठी, अजमोदा मीन्स अजवाइन, जीरा में काला जीरा होता है और सादा जीरा होता है जिसे श्वेत जीरा भी कहा जाता है, और फिर होता है इसमें सेंधव नमक के वैसे भी मैं आपको फ़ायदे बहुत सारे हैं जो आपको बता चुकी हूँ। मेरे रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें मैं उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ चेक कीजिए। सेंधव नमक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो हमारी डाइजेशन की हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और साथ ही साथ इसमें है मरीच मतलब काली मिर्च, जो हमारे डाइजेशन को इन्हेंस करती है और जिस तरह की प्रॉब्लम्स होती है कब्ज़ या पेट में गुड़गुड़ाहट सी होना, ब्लोटिंग या गैसेस जमा होना, उस चीज़ को भी दूर रखती है। तो मैं यही सब चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो इमरजेंसी मेडिसिंस है हम हमारे घर में रख सकते हैं, तो क्यों ना इसे हम रखें। ये बहुत ही इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं ना जो हम हमारे किचन में जाके अगर देख लेना तो आधे से ज़्यादा तो हमें अभी अवेलेबल हो जाएंगे। जीरा तो आप रोज़ ही यूज़ करते हैं खाने में, और सेंधव लवन आप यूज़ करना चालू कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसका वीडियो देख लीजिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये चूर्ण जो है आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने बताया है वो इक्वल क्वांटिटी में लेना है, वन पार्ट, कोई भी कम ज़्यादा नहीं करना है। आप इसे प्रिपेयर करके रख दीजिए। अब बात आती है इसके दो टाइप से लेने के, मतलब आप दो तरीक़ों से इसे ले सकते हैं, वो है कि एक आप इसे घी के साथ ले सकते हैं खाना खाने से पहले, और एक है कि आप इसे गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। बहुत से लोग घी के साथ लेना पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये ले, अगर आपको इंडाइजेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग मतलब गैसेस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सॉल्व हो जाएगी। आपको बस इसे डेली 3 to 5 days तक खाने से पहले लेना है गर्म पानी के साथ, एक चम्मच, ज़्यादा नहीं लेना है। ट्राई करिए कि आप इसे खाने के पहले ले 10 मिनट पहले, और फिर उसके बाद खाना खाएं, ठीक से खाना खाना है, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ऑयली ना खाएं, लाइट डाइट खाएं, क्योंकि आजकल वैसे भी ज़्यादा बॉडी मूवमेंट हो नहीं रही है, तो इसलिए हमें भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी है, अपनी रूटीन्स के बारे में सोचना ज़रूरी है, और बाद में तो ऐसे सॉल्यूशंस रहते ही हैं। अगर हमें इतनी अच्छी चीज़ हमारे किचन से अवेलेबल हो सकती है तो हमें केमिकल्स क्यों यूज़ करना है। बस इसी चीज़ की वजह से आज का मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि ईजी से ईजी मेथड्स आप तक पहुँचे कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ और आपको ऐसी और ज़्यादा जानकारियाँ दे सकूँ इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। पहले के लोगों की ये सारी चीज़ें पता होती थी, शायद इसीलिए वो इतने हेल्दी और फिट रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ले सकें। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या तो फिर अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए @holisticayushved। मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, बी सेफ, स्टे सेफ और रेगुलर रूटीन्स फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, जो आपको फिट रखे, हेल्दी रखे। थैंक यू।